जो बजट इस बार 2021-22 का आएगा फरवरी के अंदर, उसके अंदर सारे सेक्टर्स को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार सरकार से, बिकॉज कोरोना जो निकल के गया है, कोविड के बाद जो बिजनेस की रफ्तार है वो कंपेरेटिवली काफी ज्यादा स्लो हुई है। इनफैक्ट इंडिया में ही नहीं, सारी दुनिया में हुई है। डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव लिए हैं उस रफ्तार को दोबारा कैचअप करने के लिए। तो सेम वे रियल स्टेट सेक्टर भी, जो हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट होती है, जिसके साथ कई इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हैं इस बार के बजट से। स्पेसिफिकली जो रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट है, जो रजिस्ट्री की कॉस्ट है वो कम करनी चाहिए। जीएसटी के ऊपर आल्सो दे शैल गिव सम एडिशनल रिबेट, कि रेदर देन 18% जीएसटी दे शैल बी चार्जिंग 12% फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, सो दैट कि जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो सके बिल्डर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। एंड इवन जब रजिस्ट्री की कॉस्ट कम की जाएगी उससे भी कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। नो डाउट कि जो है इंटरेस्ट रेट्स कम हुई हैं, होम लोन की इंटरेस्ट कम होने से कस्टमर के पास थोड़ी सी लिक्विडिटी बढ़ी है, बट एट द सेम टाइम रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक जो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट इस टाइम पे है वो बैंक फंडिंग की है। तो गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि आरबीआई और एसबीआई मेनी बैंक्स को जो है स्पेशल जो है एक बजट देना पड़ेगा फॉर फंडिंग टू द रियल एस्टेट सेक्टर एट ए डिस्काउंटेड प्राइस विद मोर मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम मीन्स कि उनको कम से कम साल से दो साल का पीरियड ऐसा देना चाहिए जहां पे उनकी इंस्टॉलमेंट वापस शुरू ना हो, ताकि इस साल के अंदर 2021-22 के अंदर हम रफ्तार पकड़ सकें दोबारा, जो सेक्टर बिल्कुल गोली की स्पीड से दौड़ रहा था, जो आज स्लो हो गया है, उसको दोबारा हम उसी स्पीड पे वापस लेके आ सकें। यूनियन बजट से रियल एस्टेट सेक्टर की ये उम्मीदें हैं कि सरकार जीएसटी की दरों में कमी लाए, जिससे रॉ मटेरियल सस्ता हो, रॉ मटेरियल के ऊपर जीएसटी की दरों में कमी लाए, स्टैम्प ड्यूटी के अंदर रिडक्शन होना चाहिए, सेक्शन 80C के अंदर जो होम लोन बोरोअर्स को एक छूट मिलती है इंटरेस्ट के ऊपर और प्रिंसिपल के ऊपर, उस छूट को बढ़ाना चाहिए। वो लिमिट अभी 1.5 लाख की है प्रिंसिपल पे और 2 लाख की है इंटरेस्ट पेड के ऊपर, उस लिमिट को बढ़ाना चाहिए। मेरे ख्याल से उससे रियल एस्टेट सेक्टर को अच्छा बूस्ट मिलेगा,